हाय फ्रेंड, जिस स्थिति पर क्या दौर यू आर वाचिंग टेक्नो। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप होनर 7 के बारे में पांच ऐसी हिडन फीचर जिसके बारे में कुछ लोग तो जानते हैं, कुछ तो नहीं जानते। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको कुछ होनर 7 के बारे में कुछ अच्छे ऐसे फीचर्स के बारे में पता चलेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। दोस्तों, पहला फीचर आता है कि आप किसी भी ऐप के ऊपर अपना फ़ोटो या फिर लोगो या फिर अपनी पिक्चर कैसे आइकन के ऊपर कैसे लगाएं। दोस्तों, ये भी एक बहुत मज़ेदार फीचर है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी थीम्स को ओपन कर लेनी है। दोस्तों, मेरे पास भी होनर 7 का स्मार्टफोन है, तो इसके अलावा आपको होनर के कोई भी डिवाइस या होनर के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया करूँगा। होनर 7 के बारे में मुझे सब कुछ पता है क्योंकि ये मेरा डिवाइस है, मैं इसको 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मी के ऑप्शन पर चले जाना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे ऊपर, तो आपको यहाँ पर कस्टमाइज़ कुछ सेलेक्ट कर लेना है। तो कस्टमाइज के बाद आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे, स्क्रीन वॉलपेपर, इसके होम स्क्रीन वॉलपेपर। तो आपको यहाँ पे एक आइकन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस आइकन पे क्लिक कर लेना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट रहता है, और अगर आप कोई और भी डाउनलोड करके लगाना चाहते हैं तो वो लगा ले। तो आपको इस पर एक बार डिफ़ॉल्ट आपको जो ये है इस पर एक बार और क्लिक कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपको जो आपके पास और थीम है उनको भी दिखा देगा। तो मैं इसी को एक बार आप एक बार कस्टमाइज़ पे क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे जैसे कस्टमाइज़ पे क्लिक करोगे तो ये कुछ लोडिंग लेगा, और एक दो सेकंड बाद ये कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप किस तरह से अपने ऐप को कस्टमाइज़ करना चाहते हो। लेकिन आपको यहाँ पे अगर इस पर फ़ोटो लगानी है किसी भी ऐप के ऊपर, तो वो आपको मैं बताता हूँ। आपको जैसे यहाँ पे आपको सारे ऐप मिल गए, तो बाई मैं जैसे यूट्यूब पे अपनी पिक्चर लगा के दिखा देता हूँ। तो आपको यूट्यूब पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको सारी इमेज मिल गई। तो आपको अगर इन इमेज में से जो वॉलपेपर के इनमें लगाना है तो ठीक है, अगर इनमें से नहीं लगानी अपनी लगानी है तो आपको गैलरी पे क्लिक कर लेना है। तो गैलरी के बाद जैसे मेरी एक स्क्रीनशॉट की इमेज है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको ये पूछेगा कंप्लीट एक्शन यूजिंग, तो आप इसको गैलरी को सिलेक्ट कर लेना, ऑलवेज कर देना क्योंकि गैलरी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप ऐप के साइज़ के हिसाब से अपना जो कट करना पड़ेगा आप इतना क्रॉप कर लें इसको और ऊपर क्लिक कर दे। जैसा कि आप देख सकते हैं यूट्यूब की जगह मेरा पिक्चर आ रही है, मेरी पिक्चर आ रही है। तो अब इसको अप्लाई कर दे ऊपर से। तो जैसा कि आप ये देख सक पाएंगे कि अब मैं अगर आपको अपना यूट्यूब दिखाऊँ तो आप देख सकते हो मेरा ये फेस आ रहा है। इसी तरह से आप किसी भी ऐप को कस्टमाइज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी ऐप को ऐसे ही कस्टमाइज कर सकते हो, अपनी फ़ोटो या किसी के भी फ़ोटो लगा सकते हो। दोस्तों, अब बढ़ते अपने दूसरे ट्रिप की जो दूसरे जो ट्रिक है उसके बारे में, या दूसरा जो फीचर है उसके बारे में बताता हूँ। तो दूसरा जो फीचर आता है हमारा, तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दूसरा होनर 7 का दूसरा हिडन फीचर। दोस्तों, आपको इसके में आपको ये आपको एक हिडन ऐप्स का ऑप्शन मिलता है। तो शायद आपको पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता। तो आपको बता दो कि आप अपने सीक्रेट ऐप्स या फिर फाइल्स को आप इस हिडन ऐप्स के फीचर में आप इसको इनेबल करके आप इसमें सेव कर सकते हो। तो हिडन ऐप के फीचर को आपको इनेबल करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप वो देख ली, नहीं तो मैं आप बता रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड, जैसे आप पिक्चर को जूम करते हो आपको होम स्क्रीन पे दो उंगली अपनी रखनी है, थंब और थंब के आगे वाली उंगली, और उसको ऐसे जूम करना है जैसे आप किसी फ़ोटो को जूम करते हो, ऐसे आपको होम स्क्रीन के ऊपर जूम करना है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, आपको जौन सा भी ऐप है जिसको आप छुपाना चाहते हो, जैसे मैं टिकटॉक को छुपाना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से ओके कर दें। तो ये जैसे कि आप हिडन ऐप से आ गया, तो इसको आप ऐसे करके इसको बंद कर दें और इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो तीसरा जो हिडन फीचर है होनर 7 के बारे में वो ये है कि इसमें आपको एक एसेबिलिटी का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आप इसका एक टिप्स में जाके एक ऐप भी है जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसमें आपको जो कई आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको सेटिंग्स में जाके एसेबिलिटी, मतलब उसमें आपको जो आपके काम को आसान करने के लिए कई जो ऐसे छोटे मोटे फीचर्स रहते हैं, तो उनमें 2-3 फीचर हैं। जैसे आप स्मार्ट एसेबिलिटी असिस्टेंस है, इसमें एसेबिलिटी है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो आपको पहले तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे, वन हैंड UI और मोशन कंट्रोल। तो वन हैंड UI में तो आपको मतलब जो स्क्रीन है उसमें आप टाइपिंग करते हो तो आपको एक हाथ से टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इस फीचर को ऑन कर लेते हो तो आपका जो स्क्रीन है वो इस तरह से छोटी हो जाएगी और इसको आप वन हैंड से यूज कर सकते हो इसको ऑन कर लोगे तो। और जो शिफ्टिंग कीबोर्ड है, अगर इसको ऑन कर लेते हो तो आपका कीबोर्ड जो है स्मॉल हो जाएगा।
वन हैंड से यूजेबल हो जाएगा। तो मैंने यूज नहीं कर रखा, आप ऑन कर रखा, आप इसे ऑन कर लें। और दोस्तों इसके अलावा जो आपको फीचर आता है मोशन कंट्रोल में, उसमें आपको फ्लिप टू एक म्यूट आ जाता है, जो आपकी फ़ोन कॉल्स वगैरह जो अलार्म वगैरह आते हैं इसे ऑन कर लेते हो। तो आप इसको सिंपली इस तरह से करोगे तो आपको वो सब म्यूट हो जाएंगे। तो वो मैंने नहीं कर रखा, अगर आप चाहे तो उसको यहाँ से सिंपली इन दोनों को ऐसे ऑन कर सकते हो और ऑफ कर सकते हो। इसके बाद जो आता है थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट, तो इसके बारे में सबको पता ही होगा कि आप थ्री फिंगर को स्क्रॉल करोगे तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने ऑन कर रखा है, आप भी इसे ऑन कर सकते हो। और इसके बाद ये आता है डबल टैच स्क्रीन ऑन, मतलब आपके ऑफ स्क्रीन में भी आप दो बार टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक फीचर है। और इसके अलावा आपको एसेबिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि मैं यूज़ नहीं करता, और आप देख सकते हो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।